डोभा से नहीं विकास हुआ है। डोभा अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने डोभा का अच्छा जांच करवा लिया, डोभा में सारे पैसे भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदारों ने खा गया है, डोभा नामो निशान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये चिल्लाते हैं, ये कहते हैं कि हम विकास किया है, कौन सा ऐसा विकास झारखंड में किया है भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे राज्य के विकास किया है? विकास करेगा तो हेमंत सोरेन की सरकार विकास कर सकता है, किसानों के बारे में सोच सकता है तो हिंदुस्तान झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार कर सकता है, गरीबों की आवाज हिंदुस्तान झारखंड में हमारे हेमंत सोरेन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी खाली हिंदू मुसलमान की बात करने वाली पार्टी है अध्यक्ष महोदय। आज NRI हमारे यहाँ NRI की बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, NRI के बात करने वाले लोग को पूछिए, जिसके पास जमीन नहीं है पाकिस्तान भेज देंगे ये लोग, पाकिस्तान ऐसा काम करेंगे। आपके पीछे, और अध्यक्ष महोदय का नाम है, उनके लिए थोड़ा समय दे। अध्यक्ष महोदय, एक मैं बात कह रहा हूँ, मैं सभी सत्ता पक्ष या विपक्ष के आग्रह कर तरफ से कह रहा हूँ महोदय, अध्यक्ष महोदय मेरी बात सुनिए, चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी से अब कुछ होने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम आग्रह करेंगे कि भाई विकास का काम होगा, हम चाहेंगे दिल्ली के तर्ज पर आप हमारा विधायक जो फंड है, अध्यक्ष महोदय विधायक का फंड जो है से 4 करोड़ से लेके 10 करोड़ बढ़ाने का काम करेंगे, ये आपसे आग्रह विनती कर रहा हूँ। अभी ताली ठोक रहे हैं, इनका जब बात आया था ताली ठोक रहे हैं। माननीय सदस्य आपके और मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय हम आग्रह करेंगे कि सदन के माध्यम से NRI और CAA को वापस ले, ये हम आग्रह विनती करूंगा। कारण है, इन लोगों का काम है अध्यक्ष महोदय, इसे मैं आपके आपने हमको बोलने का समय दिया है, मैं हम अपने पार्टी के नेता को आभार व्यक्त करता हूं और उनसे आशा उम्मीद है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यगण, हमारे सदस्यगण सभी लोग सत्ता विपक्ष दोनों को ये जिम्मेवारी बनती है कि झारखंड का कैसे विकास होगा, भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा। भ्रष्टाचारी तो आपके आप लोगों ने इस प्रकार से किया अध्यक्ष महोदय, आपने देखा नहीं DBC आज हमारे यहाँ 18 घंटा बिजली बंद कर दिया, 5000 करोड़ रुपया, 5000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के बकाया करा करके और हम लोगों को बदनाम करने जा रहा है अध्यक्ष महोदय। ऐसे ऐसी सरकार जो पहले की सरकार थी, रघुवर की सरकार जो थी, 5000 करोड़ रुपया क्या कहा उड़ाया, हाथी उड़ा रहे थे। झारखंड चल गया है, झारखंड चल चुका है, हाथी उड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज ग्रामीण विकास पथ निर्माण विभाग के अनु बजट पर के समर्थन में और कटौती पर प्रस्तावों के विरोध में मैं आपके बीच में खड़ा होकर बोलने के लिए आया हूं महोदय। ग्रामीण विकास बजट आता है तो ग्रामीण विकास के माध्यम से पूरे राज्य के गांवों को विकास करना है महोदय, और जब तक भरपूर बजट नहीं आएगा तो गांव के किसानों के, मजदूरों के, दलितों के विकास नहीं हो सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट आया है, पहली बजट है हमारे, अनुपूरक बजट पहले भी ये हुआ था, और पूर्ण बजट जो आया है निश्चित तौर पे झारखंड के 3.25 करोड़ जनता के हित के लिए बजट है महोदय। मैं इतना कहना चाहता हूं महोदय कि झारखंड प्रदेश की जनता ने सत्ता परिवर्तन करके माननीय हेमंत सोरेन जी के हाथों में मैंडेट दिया है, और इस टकटकी निगाह से देखता है कि सत्ता परिवर्तन तो होता रहा है, आजादी के बाद से जब जब भी चुनाव आया है तो परिवर्तन हुआ है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाया है। अब व्यवस्था यदि जो परिवर्तन नहीं होगा तो गांव का विकास नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, उन्हें से एक फांसी के भगत सिंह के फांसी के पड़ने के पहले उन्होंने कहा था कि 15 वर्ष के बाद में हिंदुस्तान आजाद होगा, लेकिन आजादी गरीबों की नहीं मिलेगी,
दलितों के नहीं। देखिए महोदय, आज गांव की स्थिति क्या है, उनकी बात आज सत्य है। जिन्होंने भगत सिंह ने यानी कि हिंदुस्तान के दिशा देने का काम किया, शहादत दे के हिंदुस्तान आजाद कराने का काम किया, पूरे हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में 7,32,000 लोगों ने शहादत दिया। अध्यक्ष महोदय, ये मेरे हिंदुस्तान के बड़ा दुर्दशा है महोदय, जिनके परिवार ने शहादत दिया उसके परिवार आज लकड़ी चुन के खाना खा रहे हैं, और हिंदुस्तान के लोग आज जो सत्ता पर बैठे लोग, ऊंची कुर्सी पर बैठे लोग देखने के लिए तैयार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करने आया हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने आया हूँ, आप सत्ता परिवर्तन आपके हाथों में आया है। हम चाहते हैं महोदय कि मेरे यहाँ बहुत से ऐसे गांव है महोदय, जो आजादी के बाद से आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ महोदय, आजादी के बाद से उस गांव में पानी नहीं गया, आजादी के बाद से उस गांव में विकास के कोई रोशनी नहीं गई। हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार मजदूरों की सरकार है, और हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, टकटकी निगाहें से पूरे झारखंड के जनता ने आपको देख रहा है, उस गरीब के किसान के बारे में सोचिए जिनके खेतों में पानी नहीं गया, जिनके हाथों में कोई काम नहीं मिल रहा है, उस गरीब के बारे में आप सोचने का प्रयास करिए। हम चाहेंगे कि 5 साल के अंदर आप निश्चित तौर पे जो सपना भगत सिंह ने देखा था वो सपना आप झारखंड में कराने का काम करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अध्यक्ष महोदय, हमारे बड़ी विधानसभा के बहुत सारे ऐसे गांव हैं महोदय जहां अनुसूचित जाति के लोग बसते हैं, ये दुर्भाग्य है, आजादी के बाद भी उस गरीब के पास एक डिसमिल जमीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, वो घर कहां बनाएगा, हम विकास के गति वहां तक पहुंचाते हैं, ऐसे गांव को मैं बता रहा हूं, हमारे विधानसभा में सैकड़ों गांव है अध्यक्ष महोदय जहां अनुसूचित जाति के लोग बसते हैं। मैं बताता हूं महोदय, चौपारण प्रखंड में दैहर एक पंचायत है अध्यक्ष महोदय, जहां कैरी पिपराई है, भदान है, लाल किसुनचक है, जिसके पास सैकड़ों गरीब लोग जंगल में घर बसा बनकर बना करके आज दर पीढ़ी से पढ़ी बन करके रह रहे हैं महोदय, लेकिन यदि जो प्रधानमंत्री आवास जाता है महोदय तो उनके पास से जमीन का कोई कागज नहीं है महोदय, वो घर कहां बनावेगा, उनके पास पानी पीने का जगह नहीं है महोदय। मैं आग्रह करूंगा महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप सर्वे करा के इन गांवों को जो गरीब वतन का नजर आवेगा महोदय। हमारे इलाके में एक बढ़े में एक धोपघाट है, प्रसातरी है, आजादी के बाद आज तक वहां सड़क नहीं बनाई गई है अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद उस गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं की गई महोदय, आजादी के बाद आज तक वहां पानी की व्यवस्था नहीं की गई महोदय। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ले, जहां व्यवस्था यानी कि विकास की किरण नहीं गई है, हमारे सरकार का सपना है अंतिम व्यक्ति तक विकास जाए, जहां कभी कोई रोशनी नहीं जलाया है माननीय मुख्यमंत्री उस जगह पर जाकर के रोशनी जलाने का काम करेंगे। इसलिए मेरा आग्रह यानी कि अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे यहाँ ये बरी प्रखंड में डीबीसी 1956 में बना अध्यक्ष महोदय, डीबीसी जब बनने के बाद में हमारे विधानसभा के 56 गांव विस्थापित हुए अध्यक्ष महोदय। आप विस्थापित होने के बाद में उस समय जो जमीन दी गई थी बिहार सरकार के द्वारा डीबीसी के द्वारा, आज तक मालिकाना हक नहीं मिला है महोदय। कोई गरीब आदमी के बेटी की शादी होती है उसके पास पैसे नहीं होते हैं महोदय, आप जमीन बेचना चाहता है तो बेच नहीं पाता है अध्यक्ष महोदय। हम चाहेंगे कि वहां एक कैंप लगा करके 56 गांव जो विस्थापित हुए हैं, इफेक्टेड हुए हैं, कैंप लगा करके माननीय मुख्यमंत्री जी उस जमीन का मालिकाना हक देने का काम करें, जिससे किसानों के मुंह पर लाली आवे और मुस्कान आने का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चकचकी निगाह से देख रहे हैं, विधवा पेंशन के लोग, वृद्ध लोग देख रहे हैं, हेमंत सोरेन की सरकार हमारे बारे में सोचने का काम करेगा। आज हम लोग गांव में जाते हैं अध्यक्ष महोदय, हर जगह यही आवाज उठती है,
बाबू हमको वृद्धा पेंशन दिलवा दो, हमको विधवा पेंशन दिलवा दो। मैं आग्रह करूंगा कि आपने जब तक नहीं आप बजट में उसको लाएंगे नहीं, और यदि जो आप सभी जिलों में कोटा नहीं बनाएंगे तब तक उसके मुंह पर मुस्कान नहीं आवेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप हर जगह वहां कोटा बढ़ा करके हर एक घर में सबसे पहले विधवा पेंशन हो, या विकलांग पेंशन हो, तब वृद्धा पेंशन हो। ये मैं आपसे आग्रह करता हूँ। आप जाते हैं, हम लोग जाते हैं सरकार आपके द्वार पर, और वहां भीड़ लगती है तो सिर पे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, लाल कार्ड, आवास की मांग होता है, पानी का मांग होता है। इसलिए मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप उसको निश्चित तौर पे कोटा बढ़ा करके एक एक विधवा का पेंशन दे लेने का काम करें, विधवा को पेंशन दे, वृद्धा को पेंशन दे, विकलांग का पेंशन देने का काम करेंगे, तभी आपके सत्ता का सुख मिलेगा यहाँ के झारखंड के वासियों को। इसलिए मैं आपसे आग्रह विनती करता हूँ, मैं आग्रह करता हूँ, सोचिए जो व्यक्ति किसान पूरे हिंदुस्तान का पेट भरता है, अध्यक्ष महोदय, पूरे हिंदुस्तान के किसान हिंदुस्तान वासियों को पेट भरता है, लेकिन यह दुर्भाग्य है अध्यक्ष महोदय कि उसका बेचारा पेट नहीं भर रहा है, वो भूखे मर रहा है, और उसके पर कर्जा जो लगा हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, किसान के बारे में आपने सोचा, किसान के बारे में सोचा, उनको आपने कर्जा माफ करने के लिए माफ किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। मैं बधाई देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने आवास में प्रधानमंत्री आवास में 50,000 रुपया आपने दे करके उस गरीब को घर बनाने का काम किया है। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बधाई देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, या आपने आयुष्मान कार्ड में माननीय अध्यक्ष महोदय अस्पताल में जाता है गरीब आदमी, आयुष्मान कार्ड कहता है लागू नहीं है, आप निर्देश दीजिए सारे आज जो अस्पताल है प्राइवेट अस्पताल है आयुष्मान कहता है नहीं दे लेंगे, और आपने 5 लाख रुपया गरीब असाध रोगों के लिए जो व्यवस्था कराई है झारखंड के गरीब लोगों को इलाज के लिए 5 लाख रुपया देने का काम किया है, इसके लिए सारी जनता आपको आशीर्वाद देगा, आप व्यवस्था परिवर्तन करने कर करके आप समाजवाद की स्थापना करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। हर गरीबों को राहत देंगे आप, हर गरीबों की आवाज आप है, मजदूरों की आवाज है, मजदूरों दिलों के धड़कन है। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह और विनती करना चाहता हूँ, आज भवन निर्माण विभाग के एक हमारे यहाँ समस्या है पद्मा प्रखंड में, अध्यक्ष महोदय भवन निर्माण विभाग के द्वारा करर एक गांव है जहाँ तहसील कचहरी बनाया जा रहा था, लेकिन वहां से उठा के बीडीओ ने अपने तहसील कचहरी गांव में बनना था अध्यक्ष महोदय, लेकिन वहां के बीडीओ पद्मा प्रखंड के बीडीओ ने अपने जो मुख्यालय है पद्मा में वहां तहसील कचहरी का बनाने का काम किया। आप संज्ञान लेने का काम करिए और जांच करा के यदि जो इस प्रकार से घटना ही घटी है उसको दंड देने का काम करें, मैं विनती करता हूं। आज जो आता है डोभा का बड़ा नाम सुने थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, आज धरातल पर जाइएगा तो डोभा नाम का कोई निशान नहीं है। मैं आग्रह करूंगा डोभा ऐसा काम ना करे, सारे पूरे झारखंड प्रदेश के गांव में आहार बना हुआ है, तालाब बना हुआ है अध्यक्ष महोदय, और हम चाहते हैं भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा सारे तालाब को गहरीकरण करके पानी देने का काम करिए। मैं आग्रह विनती करूंगा, मैं आग्रह करूंगा सिंचाई मंत्री जी से, क्या हर पंचायत में 10 पूरा हमारे यहाँ तो नहर की व्यवस्था उतनी नहीं हो सकती है, उखड़खार खाबर जमीन है, हम चाहेंगे सारे गाँव में डीप बोरिंग करके लिफ्ट डोभा से नहीं विकास हुआ, डोभा अध्यक्ष महोदय जिन्होंने डोभा का अच्छा जांच करवा लिए, डोभा में सारे पैसे भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदारों ने खा गया है, डोभा नामो निशान नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये चिल्लाते हैं, ये कहते हैं कि हम विकास किया है, कौन सा ऐसा विकास झारखंड में किया है भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे राज्य के विकास किया है? विकास करेगा तो हेमंत सोरेन की सरकार विकास कर सकता है, किसानों के बारे में सोच सकता है तो हिंदुस्तान झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार कर सकता है, गरीबों की आवाज हिंदुस्तान झारखंड में हमारे हेमंत सोरेन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी खाली हिंदू मुसलमान की बात करने वाली पार्टी है अध्यक्ष महोदय, आज NRI हमारे यहाँ NRI की बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, NRI की बात करने वाले लोग को पूछिए
जिसके पास जमीन नहीं है पाकिस्तान भेज देंगे ये लोग, पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे आपके लोग को। आपके पीछे और एक अध्यक्ष महोदय का नाम है, उनके लिए थोड़ा समय दे। अध्यक्ष महोदय एक मैं बात कह रहा हूँ, मैं सभी सत्ता पक्ष या विपक्ष के आग्रह के तरफ से कह रहा हूँ महोदय, अध्यक्ष महोदय मेरी बात सुनिए, चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी से अब कुछ होने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय हम आग्रह करेंगे कि भाई विकास का काम होगा, हम चाहेंगे दिल्ली के तर्ज पर आप हमारा विधायक जो फंड है, अध्यक्ष महोदय विधायक का फंड जो है से 4 करोड़ से लेके 10 करोड़ बढ़ाने का काम करेंगे, ये आपसे आग्रह विनती कर रहा हूँ। अभी ताली ठोक रहे हैं, इनका जब बात आया था ताली ठोक रहे हैं। माननीय सदस्य आपके और मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय हम आग्रह करेंगे कि सदन के माध्यम से NRI और CAA को वापस ले, ये हम आग्रह विनती करूंगा। कारण है इन लोगों का काम है अध्यक्ष महोदय, इसे मैं आपके आपने हमको बोलने का समय दिया है, मैं हम अपने पार्टी के नेता को आभार व्यक्त करता हूँ और उनसे आशा उम्मीद है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यगण, हमारे सदस्यगण सभी लोग सत्ता विपक्ष दोनों को ये जिम्मेवारी बनती है कि झारखंड का कैसे विकास होगा, भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा। भ्रष्टाचारी तो आपके आप लोगों ने इस प्रकार से किया, अध्यक्ष महोदय आपने देखा नहीं DBC आज हमारे यहाँ 18 घंटा बिजली बंद कर दिया, 5000 करोड़ रुपया, 5000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के बकाया करा करके और हम लोगों को बदनाम करने जा रहा है अध्यक्ष महोदय। ऐसे ऐसी सरकार जो पहले की सरकार थी, रघुवर की सरकार जो थी, 5000 करोड़ रुपया क्या कहाँ उड़ाया, हाथी उड़ा रहे थे। झारखंड चल गया है, झारखंड चल चुका है, हाथी उड़ रहा है पूरा झारखंड। अध्यक्ष महोदय आपने हमको समय दिया है, हम सभी नेताओं को आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।